वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक झाल मिष्टी जीवन ब्लॉग सिंचन फैमिली। उधर के नौकरी वाले ये क्यों दे रहे उनको पानी देने के लिए? इसके पापा इधर पानी होएगा चना पैसे दे। मम्मी को देखिए, वो अगर गिरेगा ना चीत पटांग। पापा को कॉल किया तो वो अमर ही आम आर्मी कितने का है? 100 रुपये पौवा कर रहा है। 195 मतलब 200 से 5 रुपया की हो चाहे बाबा। मैं ना सब कुछ मान सकती हूँ, लेकिन मतलब बच्चे जब खाना लेके नखरा करते हैं ना तब गुस्सा आ जाता है। एक तो सवेरे का टाइम है, फिर टाइम कम है, जल्दी जल्दी में बच्चों को मतलब खाना दूंगी ना ब्रेकफास्ट में, सवेरे खा के जन नहीं, हर दिन मुझे खिला के देना पड़ता है, चाहे रोटी हो, मैगी हो, चावल हो, जो भी हो स्कूल जाने के टाइम। और बच्चे नहीं खा के जाएंगे तो मन भी नहीं मानता ना, बुरा भी लगता है। तो देखिए मेरा दिमाग गर्म है अभी सवेरे सवेरे, मतलब क्या बोलूँ, मुँह से बकबक भी कर रही हूँ, डांट भी रही हूँ। मतलब बच्चे सवेरे उठ के मतलब उन लोगों का रूटीन है थोड़ी देर पढ़ाई करके, एक्सरसाइज करके, फिर नहा धो के तैयार होने में सब कुछ कर लेगा, लेकिन जब खाना दूंगी ना कि बाबा खा ले नहीं, तब उन लोगों का नखरा शुरू हो जाता है, ये वो मतलब क्या बोलूँ। और जूते को ऐसे करेगा ना जैसे चेहरा दिखाई देना चाहिए। और छोटा वाला तो बहुत बकबक कर रहा है, उसके पापा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बोले मैं तुम्हारा ये रूप जो है ना वो आज रिकॉर्डिंग करके छोड़ूंगी, तुम देखो। तो दोस्तों देखते रहिए, दिमाग मेरा बहुत गर्म, मैं क्या बोल बोल पादी नीचिस के लो हाथे ने प्रणाम कर, हाथ दे प्रणाम करेगा सब के जन्म लक्ष्मी लागे किंतु बाबा आकर किदो किदो आ किदो लो काटो करे करे माता को ये अरे हम सब ले 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 टाटा। কেউ লাগাইনি, আমি ওপর থেকে দেখছি, কেউ লাগাইনি, কেউ লাগাইনি, ওরা ওরা ইসেটা পায়নি। आज टाई नहीं लगाने का बात था क्योंकि मैसेज दिया था स्कूल से, क्योंकि कल क्लास 6 का एक बच्चा दूसरे बच्चों को टाई खींचा तो गले में अटक गया था, वही मैं बच्चों को मना कर रही थी, फिर भी वो लगा के जा रहे हैं। देखिए इतना सौभाग्यशाली हूँ मैं, देखिए मेरे पति देव को कितना अच्छे से काम कर रहा है। और इधर मेरे लिए चाय लाया, ला के मुझे बुला रहा है। चलिए एक बार गुड मॉर्निंग बोल ही देते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक हो, अच्छा रहिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स कीजिएगा, अगर बुरा लगे तो वो भी बोलिएगा, अच्छा लगे तो वो भी बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, दिन भर में क्या करूँगी नहीं करूँगी सब आप लोगों का साथ शेयर करूँगी, तो देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार बोल लीजिए, নূতন সকাল নূতন আলো, সবাই মিলে থাকবো ভালো, গুটি গুটি পাই তোমরা সবাই আমার পাশে এগিয়ে চলো। আমার না ক্যামেরাটা খারাপ হয়ে গেছে, দেখছো ঘোলা আসে। দেখিয়ে দোস্ত, ইয়ে পেন না বিলকুল মুরঝা গেয়া থা, লেকিন দেখিয়ে আবি ইয়ে ফির সে খিলখিলাকে না ফির সে নিয়ে তরিকে সে উগা হ্যাঁ আর ফুল ভি খিলনে লাগা হ্যাঁ। দেখিয়ে बारिश हुआ ना 2-4 दिन बहुत जोरों का, इसलिए इन सब का हालत ऐसा है। मिर्ची का पेड़ उठा के इधर लगाया, अच्छा। और ये देखिए पम्पकिन का, आप लोग खाते हैं पता नहीं, जो बंगाली लोग हैं वो उनको तो पता होगा, हम लोग है ना पम्पकिन का जो ये स्टिक है ना ये हम लोग खाते, लेकिन ये तो पतला है, मोटा नहीं हुआ, मोटा मोटा होने से अच्छा लगता है खाने में। इंसान क्या है, घास फूस सब कुछ खा लेता। और ये देखिए वो अच्छी बात है, देखिए ये है वो वाला पेड़ जो उनके पापा ने छोटा सा एक डंडी लगाया था उसी का, देखिए इसको ऐसे घुमा के दो हाँ। और पुई मुचुड़ी ऐसे कहते तो पुई मुचुड़ियों खावा जाए ना बोला, ये गेंदा फूल गाचटा वो दिखे नहीं है जी। ठीक है दोस्तों, साथ बने रहिए, रुक जाइए और एक चीज़ दिखा रही हूँ। देखिए वो बोलते हैं ना क्या गांव पंचायत क्या पता नहीं मुझे, फ्री का वो देते हैं ना चीनी चावल दाल हफ्ते में एक बार करके, तो वो देखिए उधर दे रहे हैं। रुक जाए बड़ा करती हूँ, देखिए कितना भीड़ है। नहीं जहाँ तक मुझे पता वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो उधर के नौकरी वाले ही है, क्यों दे रहे उनको? ठीक है दोस्तों, साथ बने रहिए, देखते रहिए।
এদিকে রাখো এদিকে রাখো। জব গাছটা সরিয়ে দাও, এদিকে নিয়ে চলে আসো, উঠিয়ে হ্যাঁ এদিকে রেখে দাও, এই সাইডে বাস। এটা ফেলো না, এটা ফেলো না, দেখিয়ে মানে ঝাড়ু লাগা কে রাখ দিয়া থা, ইসকে পাপা ভাইয়ে লে যা কি নিচে ফেকেঙ্গে, সাফ রাখনে সে খুদ কে আচ্ছা লাগতা না। টপগুলি রেখে দিও, পুঁই গাছটা মানে ওইটার মধ্যে বাইয়ে দেওয়া যাবে। পানি দেনি কে ইসকে পাপা ইদ পানি লে রে, मैं सोची नहीं, सवेरे सवेरे इनका रूटीन आपको साथ थोड़ा शेयर करती हूँ। और मैं अभी छत के ऊपर झाड़ू लगा, छत के ऊपर मैंने फूलों के उस साइड में झाड़ू लगाई। होएगा चना, हो गया ना सब में पानी देना। देखिए आज डस्टबिन वाले भैया से मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि भैया एक दिन छोड़ छोड़ के आते हैं ना, बीच में एक दिन जैसे आ जाए कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, तो ऐसा करके आते। तो बीते परसों जब आए थे भैया, तो मैं ऊपर से तो हाथ दिखाई, भैया सीटी बजा के फिर दो मिनट भी नहीं रुके चले गए। वही मैं बोल रही थी कि भैया मैं तो चौथे मंजिल से नीचे उतरना है मुझे, मैं क्या बैलकनी से छलांग लगाऊंगी क्या डस्टबिन देने के लिए। वही सब लेके ना बहुत झगड़ा हुआ आज डस्टबिन वाले भैया से। আমার কি আর মেন কথা, জমে গেলে না গন্ধ করে। পতা নি কে হুয়া সিঙ্ক মে পানি জমা হো গা, মতলব দেখি বর্তন ভি মেরা হ্যা ধোই নি, ইধর ভি হ্যা সবজি ভি ধোনা হ্যা, পতা নি এক কে বাদ এক। কোশিশ তো কর রহি হু কব সে ইসকো, ইসসে ইসসে কব সে কোশিশ কর রহি হু, পতা নি পানি কিউ নি নিকল রহা, ক্যা হুয়া নেই হুয়া। আবি ইসকে পাপা কো কল কিয়া তো ও বোল রে হ্যাঁ মে অফিস ছোড় কে থোড়ি না দর দর কে তোমারা সিঙ্ক সাফ করনে কে লাউঙ্গে, পতা নি গুসা আ জাতা হ্যা কাম মে। मच्छी वाला आया है तो मच्छी लेने के लिए नीचे जा रही हूँ, छोटा मच्छी है या बड़ा मच्छी पता नहीं, मच्छी लेने जा रही हूँ। चलिए दोस्तों देखते रहिए क्या ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ। लेना ही है, साल गुजर गया है उसकी मम्मी से मुलाकात नहीं हुआ। कौन सा मच्छी है भैया? कमा आर की दादा भगवान के बाजवे इटा कत, ये कितने का है? 100 रुपये पौवा कर रहा है। लेंगे दीदी आप? बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, कम कीजिए। ज़्यादा नहीं, अभी टाइम भी हो गया। कितना करके देंगे भैया बोलिए? बड़ा मच्छी नहीं है ना आज? ना बड़ा मच्छी दोस्त लगाने से अच्छा। तो दोस्तों ऐसे भी घर में सब्जी नहीं था ना, तो फिर मच्छी लेने गए थे, लेकिन मच्छी वाले भैया ने इतना रेट बोला, ऊपर से मतलब टाइम देख के ना मेरा भी जी नहीं किया। एक तो छोटा मच्छी है, कौन इसको साफ़ करेगा, टाइम लग जाता है, बड़ा मच्छी होने से धो धा के हो जाता है, तो इसलिए वही सोच के नहीं लिया। ऐसे भी 100 रुपया करके बोल रहा था, तो इसके बाद मैंने सब्जी ले लिया, सब्जी लेके घर लौटी। देखिए दोस्तों ये वाला पेड़ को काट रहे हैं, फ्लैट हो रहा है ना, आप लोगों को पता है फ्लैट तैयार हो रहा है। देखिए पेड़ को काटने के लिए अभी 2 घंटा हो गया, लाइट नहीं है क्योंकि बिजली के। देखिए दोस्तों मैंने तुलसी के पेड़ से कितना सारा डाली तोड़ा है, देखा बहुत सारा बहुत सारा। देखिए छोटा कर दिया, मुझे पता है तुलसी का पेड़ तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं तोड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ना ये सफ़ेद सफ़ेद ये जो कीड़ा है ना, ये सफ़ेद सफ़ेद ये सब कीड़ा लग गया। अगर इसका डाली तोड़ के नहीं दूंगी ना तो क्या करेगा, ये पूरा कीड़ा पूरा पेड़ को खा जाएगा। मतलब एक बार में मर जाना अच्छा है, तिल तिल करके नहीं मरना।
तो वही देखिए मैंने इसको तोड़ दिया, फिर फैल जाएगा। अभी देखिए कितना सारा निकल रहा है, पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, साथ रहिए, देखते रहिए। काट दिया, अभी ऊपर चढ़ के फिर देखिए। आयो बंदा ना गिर जाए रे, जो काट रहा है वो ना गिर जाए। देखिए एक आरी से पूरा पेड़ को कैसे काट डाला। इंसान को इनके लिए भी बुरा लग रहा है, पेट के लिए तो ये सब काम करता है पैसों के लिए, लेकिन पेड़ काट दिया ना, बहुत दिल को बुरा लग रहा है दोस्तों, क्या बोल बोल। देखिए आंखों के सामने पूरा पेड़ मिट्टी के साथ मिल गया, मतलब काट के छोटा कर दिया। अभी भी मशीन से काट रहे हैं, गाड़ी भी आया है, दो बार गाड़ी भर के पूरा डाली वगैरह छोड़ के आया। अभी ये सब डाली भी लेंगे। तो वही मैं देख रही थी, एक इंसान अपने पेट के लिए, पैसे के लिए, पेड़ के कितने ऊँचाई में चौथी मंजिल के ऊपर उठ के अकेले पेड़ में खड़े एक हाथ से पूरा इतना बड़ा पेड़ को काट दिया। दोनों साइड से दुख लग रहा था पेड़ के लिए। तो दोस्तों हम लोगों का खाना वाना सब कुछ हो गया, रात का डिनर वगैरह सब कुछ हो गया, फ्रंट कैमरा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट्स कीजिएगा। आज का वीडियो यही तक था, कैसा लगा ज़रूर बोलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, नूतन सकाल नूतन आलो, सबाई मिले थकबो भलो, गुटी गुटी भाई तुम्हारा सबाई हमारे पास एगिए चलो। तो दोस्तों ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ रहिए, कल फिर मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो यही तक था, गुड नाइट दोस्तों, अच्छा रहिएगा और याद करके आ जाइएगा मेरा चैनल टॉक झाल मिष्टी जीवन ब्लॉग्स इन चैन फैमिली। ओके बाय, गुड नाइट। की हो बाबा।